तो लिए दोस्तों आज है हमारे साथ अली भाई और ये हमें बना के दिखाएंगे मुरादाबादी बिरयानी। थोड़ा सा स्माइल कर लो अली भाई, क्या हो गया? तो मुरादाबादी बिरयानी दिखा रहे हो आज बना के? तो बताओ किस तरीके से बनाते हैं बस, है ना? चलो गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, अजीना मोटो, हाँ जी तो ये हमारा डेगची है जिसमें मुरादाबादी बिरयानी बनती है ना? ये रिफाइंड ऑयल, ठीक है, इसकी जगह हम देसी घी वगैरह भी डाल सकते हैं, इसके अंदर घी वगैरह भी डाल के बना सकते हैं ना। चलो हाँ, चॉइस होती है अपनी, डालो डालो। वाह क्या स्टाइल था दोस्तों, देखिए किस तरीके से इन्होंने पैकेट को खोला है, अंदर डाल के उसे घुमा दिया, गर्म से वो खुल गया अपने आप, बहुत बढ़िया भाई। और ये सारे मसाले और चिकन मिक्स जो हमने अभी डाले थे, ये सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अब अच्छे से फ्राई करना है। ये कितने देर तक छोड़ना है इसको? दो तीन मिनट तक फ्राई होने देंगे इसको, ढकना है अभी, ढक। तो दोस्तों अभी हमारे चिकन और मसालों को इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए, दो तीन मिनट के लिए छोड़ दिया गया है, पाँच मिनट है ना, हार्डली बिल्कुल। तो 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये हो चुके 5 मिनट और वापस हमने खोल दिया इसको। चिकन की भुनाई, वाह देखिए दोस्तों किस तरीके से चिकन की भुनाई हो रही है, और आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है बिल्कुल फ्राई हो रहा है अंदर, बहुत बढ़िया। वाह देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है अभी से ही चिकन जो है वो मिर्च में और हरी मिर्च, उसके साथ कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका। ये गया इसके अंदर थोड़ा सा पानी, चिकन फ्राई हो जाने के बाद इसके अंदर डाला गया है थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिलाया जा रहा है 2 मिनट के लिए। वापस ढक के थोड़ा सा कुक कर लेना है, चिकन अच्छे से थोड़ा सा पक जाएगा है ना, पानी की वजह से बॉइल्ड हो जाएगा। बॉयल आ चुका है चिकन के अंदर और हम इसमें डालेंगे राइस। 20 मिनट भिगे हुए चावल, 20 मिनट तक भिगो के रखा हुआ इनको। चावल डालने के बाद चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना है, चावल टूट जाते हैं। टूट जाते हैं, हाँ जी सही बात है। अब इसको वापस ढकना है, हाँ जी। कितने देर के लिए? एक बोल और आ जाए। अच्छा 5 मिनट के लिए बोल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों पानी कम हो चुका है, एक बार चलाओ उसको, बस ज़्यादा नहीं चलाना वरना चावल टूटेंगे हैं। और इसको अब वापस 15 मिनट तक दम पे लगा के रखना है इन चावलों को।
तो पूरा कुक हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, अगर आँच तेज़ी रहती तो ख़राब हो जाता, पतीला जल जाता है। तो मतलब धीमी आँच पे 15 मिनट तक लो फ्लेम पे रखना है हमने इसको, है ना। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं 15 मिनट तक का, उसके बाद देखते हैं ढक्कन खोलते हैं तो क्या निकलता है अंदर से। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो बिरयानी है वो बन गई है पूरी। पूरी तरीके से हमारी जो बिरयानी वो बन चुकी है और खुशबू के लिए इसमें डाला जा रहा है केवड़ा वाटर। दोस्तों केवड़ा वाटर बिरयानी में बहुत ज़रूरी होता है, इसी की वजह से उसमें जो असली जो खुशबू आती है बिरयानी की वो इसी की वजह से आती है। ये रहा बिरयानी का रंग। और थोड़ा सा इसमें डाला जा रहा है बिरयानी का कलर, यानी कि फूड कलर, और बिना कलर के तो बिरयानी पूरी ही नहीं होती, क्योंकि देखने में जो मज़ा आएगा जो चीज़ वही खाने में आएगा। हैं, तो ये हमारी बन चुकी है मुरादाबादी बिरयानी। थोड़ा मसाला, थोड़ा सा ऊपर से मसाला डाला गया, किस चीज़ का? ये सौंफ का। बड़ा ही लाजवाब सा बिरयानी दिख रहा है ये, वाह। चलिए इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं, अब रहा नहीं जा रहा दोस्तों। बन तो गया हमारा बिरयानी, वाह। ये सारे गरम मसाले ये सब डाले हैं हमने ऊपर से ना। गर्मा गर्म बिरयानी, चलो बिरयानी जो हमने अभी फ्रेश देखी है बनते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इन सबका टेस्ट कैसा। सबसे पहले तो मैं बिरयानी टेस्ट करने वाला हूँ। चलो अब मैं चम्मच से तो नहीं खाने वाला बिरयानी, तो मैं हाथ से खाने वाला हूँ। ये असली मज़ा तो दोस्तों बिरयानी खाने का हाथ से ही आता है। तो ये थोड़ा सा हम डालते हैं चिकन कोरमा, पहले मैं वैसे टेस्ट करके देखता हूँ कैसा बना है विदाउट कोरमा और ग्रेवी, है ना। ये देखिए क्या सॉफ्ट बिल्कुल दाने चावल के, बिल्कुल लंबे लंबे। और ये चावल यूज़ करते हैं, बासमती यूज़ करते हैं, बासमती चावल है। चलो तो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। हर बार जैसे मैं शमा की बिरयानी टेस्ट करता हूँ ना, एक अलग से खुशी आती है चेहरे के ऊपर, क्योंकि बिरयानी, एक तो आपने हैदराबादी बिरयानी खाई होगी बहुत स्पाइसी होती है, मगर ये वाली जो बिरयानी होती है मुरादाबादी वो बिल्कुल माइल्ड सी होती है, बिल्कुल स्पाइसेस नहीं होते इसमें, बिल्कुल हल्के से स्पाइसेस होते हैं। हालांकि इसमें मिर्च डाली जाती है हरी, मगर उसकी वजह से तीखापन नहीं आता, बिल्कुल सटल सा फ्लेवर होता है। वाओ। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये चिकन कोरमा, चिकन कोरमा की ग्रेवी डालते हैं, क्योंकि चिकन कोरमा की ग्रेवी स्पेशल बनती है यहाँ पे शमा ढाबा पे, और स्पेशली सर्व की जाती है बिरयानी के साथ चिकन कोरमा। जैसे हैदराबादी में सलन यूज़ किया जाता है, चटनियाँ यूज़ की जाती है, रायता यूज़ किया जाता है, वैसे मुरादाबादी बिरयानी में आपको कोरमा दिया जाता है साथ में चिकन का। तो इसको भी टेस्ट करते हैं, करते हैं। ओह सर, वाओ मज़ा आ गया दोस्तों। कोरमा की ग्रेवी के साथ, मतलब चिकन कोरमा की ग्रेवी के साथ ये और भी ज़बरदस्त फ्लेवर दे रहा है, इन्हांस हो जाता है फ्लेवर, जिसको कहते हैं टेस्ट को इन्हांस करना, बिल्कुल वाह भैया। और ये जो हमारी बिरयानी का चिकन है वो दिखाता हूँ आपको किस तरीके का। ये देखिए सॉफ्टली कुक्ड है, देख रहे हो आप कितने बढ़िया तरीके से टूट रहा है, वाह। ये देखिए, और अब लेंगे हम ये चिकन और बिरयानी। ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर हमारा बिरयानी बन गया होगा, 15-20 मिनट में, है ना। और चिकन आप देख सकते हो कितना सॉफ्टली कुक हो गया दोस्तों, 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमारा चिकन कुक हो गया। सारा कमाल जो है वो बर्तन का होता है, क्योंकि वो गोल होता है और हाँ डेग में बनते हो, सारी जो हीट होती है वो बर्तन के चारों तरफ रहती है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया भाई,